हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर सेकंड, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वी नो दैट फूड इज एसेंशियल फॉर द बॉडी एज इट कीप अस हेल्थी। फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमें क्या रखता है, हेल्थी रखता है। फूड आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी के ग्रोथ होने में भी हेल्प करता है। एंड फूड कंटेन द यूजफुल सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव एंड ग्रो। दीज यूजफुल कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है, न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। What are carbohydrates? See, कार्बोहाइड्रेट को अगर बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से समझना होगा तो हम उसे पता क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे शुगर या फिर स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी कॉल एज अ शुगर या स्टार्च। वेन वी आर टेस्टिंग अ कार्बोहाइड्रेट वी विल एक्चुअली टेस्टिंग फॉर स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है, यू हैव राइस, यू हैव bread and you have potato, all these things give you carbohydrates. And what is the main motive of carbohydrates? That they provide us with energy. Suppose all time you like ki aaj padhne ka mood nahi hai, aaj energy nahi hai, so what should you have? A little bit of sugar or a carbohydrate will do the magic and you will absolutely get energetic. छोटे सी शुगर को आपको खाना है और आप पे क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। सो क्लियर हुआ आपको कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। सो अवर नेक्स्ट इज प्रोटीन। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। प्रोटीन सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी बॉडी को ग्रोथ होने में और रिपेयर होने में हेल्प करता है। अब आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना होगा कि पेरेंट्स कहते हैं बेटा प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी हम आपकी एज क्या है, ग्रो होने की। सो व्हेन यू आर ग्रोइंग योर बॉडी नीड्स टू बी बिल्ट कंटिन्यूसली एंड दैट एग्जैक्टली व्हाई यू नीड प्रोटीन। बहुत सारा आपको प्रोटीन चाहिए, यू नीड प्रोटीन वेरी लार्ज अमाउंट सो यू योर बॉडी कैन इटसेल्फ अप एंड अ कंटिन्यूस एनर्जी। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल से भागकर फिर आप घर आते हो, ट्यूशन जाते हो और कभी कभी खेलने जाते हो, तो हर चीज़ में एनर्जी चाहिए ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल राइट, सो डोंट फॉरगेट इट। आपके लिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे कभी भूलना मत। प्रोटीन आपको कहाँ से मिल सकता है, इफ़ यू आर वेजिटेरियन, प्रोटीन फ्रॉम दाल, पल्सेस, यू हैव सोयाबीन एंड कैश्यू, ऑल दीज गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन फिर तो आप दोनों चीज़ खा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन ईट फिश एंड यू कैन ईट चिकन, यू कैन ईट एग, ऑल दीज थिंग्स गिव यू अ प्रोटीन। ठीक है, अब आपको प्रोटीन्स के बारे में भी समझ आया। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Rest of the chapter I will explain you in our next video. If you like my video, so please subscribe and share my video. Thank you.